सोमवार का दिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए मुश्किल लेकर आया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर और अमरपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर शुरू की गई मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगा दी। दरअसल धोनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। शीर्ष अदालत ने धोनी को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने पीठ को बताया था कि अमरपाली ग्रुप ने फ्लैट खरीदारों का पैसा डाइवर्ट करने के लिए धोनी के ब्रांड को प्रमोट करने वाली रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिखावटी समझौता किया था और 2009 से 2015 के दौरान उसे 42.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें 16 अक्टूबर 2019 को अपनी पूर्व जज वीणा बीरबल दोनों के बीच वित्तीय विवाद में मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया था। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिदेवी की पीठ को सोमवार को अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने धोनी और कंपनी के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही और इसी के वजह से उनके समक्ष आ रही परेशानियों के बारे में बताया। दरअसल अपने आदेश में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों का हित सुनिश्चित करने के लिए उनसे मामले पर संज्ञान लिया था और समय सीमा के भीतर आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने व खरीदारों को फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया था। पीठ ने कहा, इसके मद्देनजर रिसीवर के लिए ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देना बेहद मुश्किल होगा। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तत्कालीन प्रबंधन या कोई और मध्यस्थ के समक्ष अमरपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी के साथ पीठ ने जस्टिस बीरबल से मध्यस्थता कार्रवाई रोकने के लिए कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।